वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। देखिए आज मैंने कहा सुबह का भी सूरज निकलने का टाइम स्टार्ट है, तकरीबन टाइम हो गया, लेकिन किन्ने आ गए तो वो उस साइड पर हल्की हल्की रोशनियाँ वहाँ से सूरज की किन्ने। अभी कुछ देर में बाहर नमूदार होंगी तो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये देखें, रात को अच्छी सी बारिश हो गई थी, घास भी सारी गीली है, आसमान फ़िलहाल तो बड़ा साफ है। अल्लाह ताला इस बारिश को ले जाए, अपना दोबारा दे। फसलें तबाह हो गई, पहले फ्लड था, चावल की तबाह हुई, अब गंदम की। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर, बाकी ममालिक पर जितनी मुसीबतें हैं, जो कुछ आजमाइशें ख़त्म फरमाए इस बाबरकत महीने के सदक़े, और पाकिस्तान के हालात भी दुरुस्त करे, हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान पे रखे, आमीन। और सुबह का मंजर इतना प्यारा था, मैं नमाज़ पढ़ के कलाम जी पढ़ती रहती हूँ, जिससे सहरी के फ़ौरन मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सोया नहीं जाता, और सहरी करते नहीं, मतलब कि इतनी मॉर्निंग में झोंकी होती ना, मतलब हैवी सी बैली हुई होती है, तो फिर ना मेरे साथ तो सोया नहीं जाता। फिर मैं तब तक पढ़ती रहती हूँ, कुरान पाक की तलावत करती हूँ, और फिर जब सूरज निकलता तो फिर ये देखे सफाई इधर की, और एक वो पोर्शन भी हमारा कुछ हादी उधर का रहती है, कुछ इस पोर्शन की कर लेती हूँ। तो ये तकरीबन सफाई वगैरह मुकम्मल करके, तो मैंने कहा क्यों ना आज थोड़ा सा मॉर्निंग की रूटीन भी बता दे, सुबह दिखाएं जो हजरात जो मतलब हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं वो सो जाते हैं नमाज के बाद, तो इस चीज़ को नहीं देख पाते, तो चलो हमारे व्लॉग से देखें इंशाल्लाह। बाकी की रूटीन फिर हम आपसे शेयर करेंगे, हम उतनी देर में जब तक सूरज पूरी तरह नहीं निकलता अपना काम वाइंड अप करें, क्योंकि रिजक मारने का टाइम होता है, और अल्लाह पाक से अपने रिजक के लिए दुआ करनी चाहिए। तो बस फिर उसके बाद हम भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, बाकी की रूटीन इंशाल्लाह जल्दी शेयर करेंगे, बाकी की रूटीन भी दिन में जो जो कर लें करेंगे, कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करें, और सैरी की भी किसी दिन बताऊँगी, क्योंकि सारी में टाइम इतना छोटा था, बस भागम भाग में मेरा पराठे बनाओ, दही लगाया मेरा, तो इंशाल्लाह किसी दिन आपसे वो भी शेयर कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अल्लाह के मैंने बैंगन रखे हैं, ये मुझे याद ही नहीं था आपको बताती, मैंने आज तोड़े थे दो, एक पहले का रोज़ करता हूँ, कल मैं इनकी मशा वाली बनाऊंगी, मेरे बहुत पसंद है। और ये आपसे स्पेशली जो चीज़ खानी थी गुलाब, ये भी मुझे याद ही थी जब मैं पौधे से आ रही थी, देखिए कितने प्यारे मशाला, उनका कलर कितना खूबसूरत, अल्लाह की शान है, मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने इनको ला के इसमें पानी डालेंगे, तो इसके अंदर लगाए हम, क्या चलो जब तक फ्रेश रहें, कितना अच्छा कमरे की ना। ये करते हो कटिंग, और फिर कब करते हैं मूंग की दाल, जैसे आलू वाले कबाब ना होंगे, और मैं अभी इनको छील लूँगी, कटिंग कर लूँ, टाइम कम है, तो फिर मैं आपको जब बना लूँगी टाइम हुआ तो ज़रूर सबको दिखाऊँगी आलू वाले कबाब, मैं भी दिखाऊँ। और ये मैंने मसाला भून रही है, इसलिए मैं अभी जब मैं इसकी कटिंग कर लूँ, फिर मैंने खिचड़ी भी पकानी है, उसके साथ मैं ज़्यादा चाहती हूँ नहीं, अभी ज़्यादा नहीं चाहती, अभी आपको फाइनल होकर चाहती मैं भी दिखाऊँ। तो हम अपने उस्तादी की तरफ चलते हैं, ये हमने आज खानी है टीडी है, आपको पता नहीं क्या कहते हैं, तो मैंने रख दिया मसाला, उधर एक तरफ मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया। और ये आप देख रहे हैं, ये मैंने ना हरी मिर्च का टमाटर का पेस्ट बनाया था, तो देखे चाय रेसिपी को ना देखे, तो इसमें ना ये था जो हरी मिर्च गलती नहीं ना, वो भी वो टमाटर नहीं गलते, वेस्ट भी नहीं होते, और आसानी भी होते काम में, मूँग की दाल भी वो के रखी है, जिसका पेट हरा है उसके लिए खिचड़ी और वो चावल।